स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोरेंज वक्र और गिनी गुणांक क्या होता है, लोरेंज कर और दूसरा टॉपिक गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम कॉन्सेप्ट लेने वाले वो आपका है लोरेंज वक्र क्या होता है, लोरेंज कर्व क्या होता है। तो लोरेंज कर्व की अगर हम बात करें तो ये जो कंसेप्ट है आपका वो 1905 में दिया गया था, और किसने विकसित किया था, इसको किसने डेवलप किया था, मैक्स ओ लोरेंज ने। और मैक्स ओ लोरेंज ने इसको डेवलप किया था, विकसित किया था, इसीलिए इस वक्र को क्या कहा जाता है, लोरेंज वक्र कहा जाता है। दूसरी बात, ये जो लोरेंज वक्र होते हैं वो क्या प्रदर्शित करते हैं, इन वक्रों के द्वारा हम क्या मालूम करना चाहते हैं। तो लोरेंज वक्र जो होता है वो किसी भी अर्थव्यवस्था में या किसी भी समाज में लोगों के बीच में जो आय का वितरण होता है उसकी विषमता, या हम कह सकते हैं आय वितरण की जो असमानता है या समानता है, उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लोरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो लोरेंज वक्र का जो कंसेप्ट है वो 1905 में किसने दिया था, मैक्स और लोरेंज ने दिया था। और ये जो वक्र है वो एक तरह से क्या मापता है, किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी भी समाज में लोगों के बीच में आय और संपत्ति की जो विषमता होती है उसको मापने के लिए इस वक्र का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, इस वक्र को बनाने के लिए एक तरह से क्या किया जाता है, हम डायग्राम लेते हैं। इसमें आपका ये हो गया ओ वाई अक्ष हो गया है पहला, और दूसरा आपका हो गया है ओ एक्स अक्ष। इस ओ वाई अक्ष पर हम क्या लेते हैं, आय का संचय प्रतिशत, ठीक है, इनकम जो है उसका कुमुलेटिव परसेंटेज हम कह सकते हैं। ठीक है, जो आपकी आय है उसका संचय प्रतिशत आ जाएगा ओ वाई अक्ष पर, और संचय प्रतिशत ये कितना होगा, हाईएस्ट कितना हो सकता है, 100 तक हो सकता है। ठीक है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और कहाँ तक होगा आपका, ये 100 तक होगा। इसी तरीके से जो ओ एक्स अक्ष है यहाँ पर हम क्या लेते हैं, इधर हम लेते हैं जो व्यक्ति है या पॉपुलेशन है उसका कम्युनिटी परसेंटेज। ठीक है, जो लोग हैं उनका संचय प्रतिशत, कितने व्यक्ति हैं कहने का मतलब। तो ये भी आपका जो परसेंटेज है वो कितने तक होगा, 100 तक होगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और आपका ये हो गया 100। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इस 100 को इस 100 से मिला देते हैं। फिर दूसरी चीज इसमें क्या होती है, एक आपकी होती है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ठीक है, जो क्या प्रदर्शित करती है कि समाज में 10% लोगों के पास में आय का जो वितरण है वो भी कितना है, 10% है। 20% लोगों के पास में इनकम का कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, 20% है। 50% लोगों के पास में इनकम का भी आय का भी 50% वितरण होता है। तो इस प्रकार की एक समान वितरण रेखा को हम बनाते हैं जो इस जीरो से प्रारंभ होती है, 45 डिग्री की एक रेखा होती है। क्लियर हो गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लोरेंज वक्र को बनाने के लिए ओ एक्स अक्ष और ओ वाई अक्ष पर हम क्या लेते हैं, ओ वाई अक्ष पर हम क्या लेते हैं, आय का संचय प्रतिशत, कुमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम लेते हैं, और ओ एक्स अक्ष पर हम क्या लेते हैं, जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं उनका हम संचय प्रतिशत लेते हैं, कुमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हम कह सकते हैं। फिर हम मैक्सिमम दोनों कितना होता है, ये 100 होता है। फिर हम एक 45 डिग्री की रेखा खींचते हैं, ये आपकी 45 डिग्री की रेखा है। ठीक है, लाइन आपकी हो गई है 45 डिग्री लाइन, एक तरह से इसको हम क्या कह सकते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कह सकते हैं, परफेक्ट इक्विलिटी लाइन कह सकते हैं। ये जो रेखा है समान वितरण रेखा, ये क्या प्रदर्शित करती है कि समाज में 10% लोग, ठीक है, अगर हमने पॉपुलेशन कितनी ली है, माना कि ये 10% लोग हैं, तो इनके पास में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी कितना है, 10% है। अगर जनसंख्या आपकी ये 50% है, तो 50% लोगों के पास में इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कितना है, 50% है। अगर हम 80% पॉपुलेशन लेते हैं, ये आपकी 80% पॉपुलेशन है, इनके पास में इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कितना है, 80% है। इसका मतलब क्या हो गया, समान वितरण रेखा जो है वो क्या प्रदर्शित करती हैं, ये 45 डिग्री की जो रेखा हम बनाते हैं जिसको हम समान वितरण रेखा,
पूर्ण समता रेखा कह सकते हैं, निरपेक्ष समता रेखा कह सकते हैं। ये जो रेखा है, ये जो लाइन है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ये क्या प्रदर्शित करती है कि समाज में 10% लोगों के पास में इनकम का भी 10% वितरण है। मतलब जो लोगों का प्रतिशत है उतनी ही इनकम का प्रतिशत है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहते हैं। और लोरेंज कर्व जो बनाया जाता है उसका हम कंपेरिजन करते हैं इस लाइन से, ठीक है। ये जो आपकी लाइन है, इस लाइन से लोरेंज कर्व का कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है। जो लोरेंज वक्र इस समान वितरण रेखा के जितना पास में होगा, उसमें आय का जो विषमता है, आय वितरण की जो असमानता है, वो उतनी ही कम होगी। और जो लोरेंज वक्र इस समान वितरण रेखा से जितना दूर होगा, आय की जो विषमता है, आय की जो असमानता है, वो उतनी ही अधिक होगी। क्लियर हो गया। लोरेंज वक्र के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक समान वितरण रेखा बनाते हैं जिसके आधार पर हमको तुलना करना है, ठीक है। आपकी जो समान वितरण रेखा है 45 डिग्री की, ये इसकी हम जैसे माना कि आपने लोरेंज वक्र बनाए हैं, दो ग्रुप के बनाए हैं या दो कंट्री के बना दिए। एक कंट्री का जो लोरेंज कर्व है वो आपका ऐसे ये बना है, ठीक है, ये आपने नाम दे दिया, ये आपका ए कंट्री का है। दूसरे कंट्री का आपने बी कंट्री का जो लोरेंज वक्र बनाया है वो आपका ये बना है। अब यहां पर अगर हम देखें, ए कंट्री का जो लोरेंज कर्व है, ठीक है, वो इस समान वितरण रेखा के पास में है, ठीक है। समान वितरण रेखा में इधर आपने क्या लिया है, आय का संचय प्रतिशत, ठीक है, जो इनकम है उसका कम्युनिटी परसेंटेज लिया है। और ओ एक्स पर आप क्या लेते हो, जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसका आप कम्युनिटी परसेंटेज लेते हो। तो देखिए वो जो डायग्राम है वापस बनाता हूं एक बार, ये आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो गई है, और ये हमने बना दिया ए कंट्री का, और ये आपने बनाया है बी कंट्री का लोरेंज कर्व। तो देखिए ये जो आपकी समान वितरण रेखा है, ये समान वितरण रेखा हो गई आपकी बीच वाली। इस समान वितरण रेखा से अगर हम देखें तो एक कंट्री का जो लोरेंज कर्व है वो इस लाइन के पास में है। इसका मतलब क्या हो गया, जो एक कंट्री है वहां पे इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो समान है, ठीक है। समान का मतलब बी के कंपैरिजन में उसमें जो विषमता है वो एक तरह से कम है। मतलब हमने कहा था कि जो लोरेंज वक्र, जैसे हमने दो लोरेंज वक्र बना रखे हैं ए और बी का, तो एक कंट्री का जो लोरेंज कर्व है वो इस समान वितरण रेखा के पास में है। और समान वितरण रेखा के जितना पास में लोरेंज वक्र होगा, उसमें आय की जो असमानता है, मतलब आय की जो विषमता है, वो उतनी ही कम होगी। मतलब उस कंट्री में आय का जो वितरण है वो उतना ही समान होगा। तो यहां पर अगर हम देखें, बी कंट्री का जो लोरेंज वक्र है वो इस समान वितरण रेखा से दूर है। इसका मतलब बी कंट्री में, बी जो देश है, उसमें आय वितरण की असमानता है। क्लियर हो गया। तो लोरेंज वक्र के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको बताए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बीच में आपकी क्या हो गई है, समान वितरण रेखा, जिसको हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कह सकते हैं, परफेक्ट इक्विलिटी लाइन कह सकते हैं। और ये जो लाइन है वो एक तरह से क्या प्रदर्शित करती है, समाज में 10% लोगों के पास में आय का 10% है, समाज के 50% होंगे उनके पास में इनकम का 50% पार्ट जो है उनके पास में है, 80% लोगों के पास में इनकम का 80% पार्ट है, कहने का मतलब, ठीक है, वो आपकी बीच वाली रेखा होती है जो समान वितरण रेखा होती है। लोरेंज वक्र अगर हमने बनाया है और लोरेंज वक्र इसी वितरण रेखा के ऊपर आ गया है, ठीक है, अगर हमारा किसी कंट्री का या जो अलग अलग इनकम के ग्रुप है, आय के ग्रुप है, व्यक्तियों का समूह है, उनका अगर हमने लोरेंज वक्र बनाया है और लोरेंज वक्र अगर इसी समान वितरण रेखा के ऊपर आ जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, उस समूह में आय वितरण में असमानता नहीं है। मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, आय का जो वितरण है वो क्या है, इक्वल है। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, जब जो लोरेंज वक्र है वो इस समान वितरण रेखा के ऊपर आ जाता है, ठीक है। लेकिन रियल लाइफ में अगर हम देखें तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। कि किसी भी कंट्री में, चाहे वो कितना भी विकसित देश है या विकासशील देश होता है, कहीं पर भी आय का जो वितरण होता है वो असमान ही होगा, समान वितरण कहीं पर भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा देखा हमने, इस तरीके से हम डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं।
ठीक है, लास्ट वाला लाइन देखिए कि लोरेंज वक्र समान वितरण रेखा के जितना पास होगा आय की विषमता उतनी ही कम होगी। तो इस डायग्राम में अगर हम देखें ए जो समूह है वो आय वितरण रेखा के पास में, ठीक है, ए समूह का जो लोरेंज वक्र है वो इस समान वितरण रेखा, ठीक है, ये आपकी है समान वितरण रेखा, ठीक है, इसके पास में है, इसलिए उसमें आय की विषमता क्या होगी, कम होगी। अब देखो इसको समझने के लिए मैं आपके डायग्राम लेता हूं जो अभी हमने बनाया था। तो इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये बी से लेकर डी जो लाइन हमने बना रखी है, ठीक है, ये आपकी क्या है, समान वितरण रेखा, इसको हम कह सकते हैं निरपेक्ष समता रेखा कह सकते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ठीक है, ये आपकी 45 डिग्री की रेखा है जो एक तरह से क्या प्रदर्शित करती हैं। तो यहाँ पे देखिए ओ एक्स अक्ष है, यहाँ पर हमने क्या ले रखा, आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का संचय प्रतिशत दे रखा है, ठीक है, जो जनसंख्या है उनका संचय प्रतिशत कम्युनिटी पर सेंटर्स ऑफ पॉपुलेशन हम कह सकते हैं, और ए बी जो आपका ओ वाई अक्ष है, ठीक है, इधर हमने क्या लिया है, जो टोटल इनकम है आय है उसका संचयी प्रतिशत लिया है, कम्युनिटी परसेंटेज जिसको हम कह सकते हैं, और बी डी ये जो 45 की डिग्री रेखा है इसको हम समान वितरण रेखा कहते हैं, जो क्या प्रदर्शित करते हैं कि किसी समाज में या कंट्री में अगर माना कि ये 50% लोग हैं तो 50% पॉपुलेशन के पास में आय का जो वितरण है वो भी कितना है, 50% है। 100% आपका कहाँ पे होगा, इस जगह, तो 100% लोगों के पास में आय का जो वितरण है वो कितना है, 100%, ये आपका पॉइंट आ गया इस तरीके से। अगर 10% हम पॉपुलेशन लेते हैं तो 10% पॉपुलेशन के पास में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 10% है, ठीक है, जो क्या बताता है, जो आपकी समान वितरण रेखा होती है वो प्रदर्शित करती हैं। फिर अगर हमने लोरेंज वक्र बनाया है, माना कि लोरेंज वक्र का आकार आपका इस तरीके से बन गया है, ठीक है, जैसा कि हमने इस डायग्राम में बना रखा है, तो लोरेंज वक्र अगर हमारा ये बन गया है, इसका मतलब ये जो लोरेंज वक्र है वो क्या प्रदर्शित करता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में समाज में आय वितरण की जो असमानता है वो कितनी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोरेंज वक्र का जो कंसेप्ट है 1905 में मैक्स और लोरेंज के द्वारा दिया गया था, और इसी कंसेप्ट का यूज करके ये जो लोरेंज वक्र की अवधारणा है इसी का प्रयोग करके 1912 में इटालियन के जो सांख्यिकविद हैं कोरेडो गिन्नी, उन्होंने एक गुणांक दिया था जिसको हम क्या कहते हैं, गिन्नी कोफिशिएंट कहते हैं। तो गिन्नी कोफिशिएंट को पढ़ने के लिए भी हम क्या करेंगे, ये जो लोरेंज वक्र का कंसेप्ट है इसका हम यूज करेंगे। तो लोरेंज वक्र के जो कंसेप्ट में मेन बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, और एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके जो ये कर्व है, ठीक है, वो हम किस तरीके से बना सकते हैं उसका एक अलग वीडियो मैंने बना रखा है। अगर आप वो देखना चाहते हैं कि लोरेंज वक्र जो है किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेके, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, कि ये जो कर्व है वो हम किस तरीके से बनाते हैं। अब देखिए दूसरा जो कंसेप्ट हमारा है वो आपका है गिनी गुणांक क्या होता है। तो गिनी गुणांक का जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था, इटालियन सांख्यिकी विद हैं, एक समाजशास्त्री भी थे वो कोरेडो गिन्नी, उनके द्वारा 1912 में ये जो कंसेप्ट है वो डेवलप किया गया था, विकसित किया गया था, और इसके आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, जो विभिन्न समूह हैं विभिन्न ग्रुप हैं उनके बीच में आय वितरण की जो असमानता होती है उसका माप करने के लिए एक तरह से संख्यात्मक माप कह सकते हैं, ठीक है। लोरेंज वक्र हमने जो पढ़ा था वो एक तरह से आपका क्या हो गया, मतलब कि एक तरह से कि किसी भी अर्थव्यवस्था में आय वितरण की असमानता कितनी है, ठीक है, उसको हमने देखा था, लेकिन उसकी जो मात्रा है क्वांटिटी है वो कितनी है, संख्यात्मक माप की अगर हम बात करें तो वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, गिन्नी के द्वारा, ठीक है। कोरेडो गिन्नी ने आय वितरण की असमानता को मापने के लिए एक माप दिया था जिसको हम गिन्नी कोफिशिएंट कहते हैं, गिन्नी गुणांक कहते हैं, ये एक तरह से क्या है, संख्यात्मक माप है, ठीक है। आय के प्रत्येक जोड़े के बीच में, प्रत्येक युग में के बीच में आय का अंतर कितना है, विषमता कितना है, उसको मापने के लिए गिन्नी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। तो गिन्नी गुणांक एक तरह से क्या हो गया, आय वितरण में असमानता या विषमता को मापने का एक संख्या
संख्यात्मक माप हो गया, और इसके आधार पर गुणक का जो मान आएगा, ठीक है, गिनी गुणांक का जो मान होता है वो कितना होता है, 0 से लेके 1 के बीच में होता है। ठीक है, गिनी गुणांक का जो मान होगा वो कितना होगा, 0 से लेके 1 के बीच में होगा। और इस माप का जो प्रयोग है वो भी लोरेंज वक्र का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, गिनी गुणांक को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, गिनी गुणांक की जो गणना है उसको करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, लोरेंज वक्र का। ठीक है, अब देखिए इसका हम पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, देखो जो यह वास्तविक लोरेंज वक्र और निरपेक्ष रेखा के बीच का जो क्षेत्रफल है तथा निरपेक्ष क्षमता रेखा के नीचे के संपूर्ण क्षेत्र के बीच में अनुपात को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और इसीलिए इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, गिनी गुणांक इक्वल टू छायांकित क्षेत्रफल अपॉन समता रेखा के नीचे का संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, इस जैसे अगर हम इसको, हम डायग्राम जो हमने बनाया था उसी डायग्राम को लेके हम गिनी गुणांक को समझते हैं। देखिए ये आपका लोरेंज वक्र हमने बनाया, ठीक है, ये आपका लोरेंज वक्र हो गया, ये हमारी निरपेक्ष समता रेखा हो गई है। अब ये जो आपका छायांकित भाग है ग्रीन कलर वाला, इसको हमने नाम दे दिया है ए, और बाकी का जो ये पूरा क्षेत्र है, ठीक है, आपका बी डी से लेकर सी का, इसको हमने नाम दे दिया है बी। तो यहाँ पे जो गिनी गुणांक के, अभी हमने देखा था गिनी गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, जो निरपेक्ष समता रेखा है इससे नीचे वाला जो छायांकित हमारा क्षेत्र है, ठीक है, वो कितना है आपका, ए है, मतलब पूरा जो ग्रीन वाला पार्ट है वो आपका कितना है, ए अपॉन इस निरपेक्ष समता रेखा के नीचे संपूर्ण क्षेत्रफल, मतलब आपका जो ट्रायंगल है बी डी सी के बराबर, ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, बी नाम दिया है, या इसको हम कह सकते हैं ए प्लस बी, इसको आप ज्यादा से अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, गिनी गुणांक क्या हो गया आपका, ए अपॉन ए प्लस बी, ए का मतलब क्या हो गया, ये वाला जो एरिया है वो आपका ए है, और अगर इसके नीचे वाला भाग अगर बी है तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। तो ये जो छायांकित वाला एरिया है, क्षेत्रफल है ए, इसमें अगर हम इस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से नीचे वाला जो टोटल एरिया है ए प्लस बी, उसका अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, गिनी गुणांक आ जाएगा, और गिनी गुणांक का जो मान है वो कितना होता है, 0 से लेके 1 के बीच में होता है। ठीक है, 0 से लेके 1 के आधार पर हम क्या बताते हैं कि यदि किसी आय वितरण का गिनी गुणांक का मान कितना आ गया है, 1 आ गया है, मतलब देखिए इसका अधिकतम मूल्य कितना हो सकता है, 1, और न्यूनतम मूल्य कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। अगर किसी वितरण का मान कितना है, 1 के बराबर है, ठीक है, जो गिनी गुणांक है उसका माना कि वैल्यू जो आई वो कितनी आई है, 1 आई है, इसका मतलब क्या हो गया, उस संपूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन में आय का जो वितरण उसमें पूर्ण असमानता हम कह सकते हैं। ठीक है, उसका मान कितना आ गया, अगर इक्वल टू 1 आ गया तो इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, उस समूह के वितरण में आय में पूर्ण रूप से असमानता है, विषमता पाई जाती है। और अगर उसका मान कितना आ गया, इक्वल टू 0 आ गया, इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, उसमें पूर्ण रूप से समानता है। ठीक है, पूर्ण रूप से समानता कैसे, जैसे देखिए आपका जो डायग्राम था, ये वाला डायग्राम है, ठीक है, इस डायग्राम में अगर हम देखें कि हमारा जो लोरेंज वक्र है वो भी अगर इस समान वितरण रेखा या जिसको हम निरपेक्ष समता रेखा कह सकते हैं उसी के ऊपर अगर स्थित है, इसका मतलब क्या हो गया, इससे जो लोरेंज वक्र के नीचे वाला जो हमारा भाग है, ठीक है, सॉरी, जो निरपेक्ष समता रेखा है उससे नीचे लोरेंज वक्र कितना है, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि लोरेंज वक्र अगर इस बीडी लाइन के ऊपर आ गया इसका मतलब 0 होगा नीचे वाला भाग, अपॉन ऊपरी भाग कितना होगा, इस पूरे ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी के बराबर होगा, लेकिन 0 में अगर हम किसी भी नंबर, कोई भी आप न्यूमेरिकल नंबर का डिवाइड करोगे तो हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जब लोरेंज वक्र आपका इस निरपेक्ष समता रेखा या समान आय वितरण रेखा के ऊपर स्थित होता है, इसका मतलब ये होता है कि उस वितरण में किसी प्रकार की असमानता नहीं है, आय का वितरण क्या है, समान है। ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि माना कि जो लोरेंज वक्र आपका है, ठीक है, उसका आकार अगर इस ये आ जाता है,
पूरा इतना लोरेंज वक्र अगर बन जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, लोरेंज वक्र का जो एरिया है इस निरपेक्ष समता रेखा से नीचे वाला जो भाग है वो माना कि आपका 100 है, और जो छायांकित जो आपका लोरेंज वक्र वाला भाग है वो भी कितना है, 100 है। इसका मतलब क्या हो गया, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब जो गिनी गुणांक है उसका अधिकतम मान कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, और न्यूनतम मान कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। और इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। यदि गुणांक जो आपका है उसके वैल्यू 1 आ गई है, आय वितरण में पूर्ण असमानता को दर्शाते हैं, गिनी गुणांक का मान 0 होने पर आय वितरण में पूर्ण समान को इक्वलिटी है, ठीक है, ये आपकी परफेक्ट इक्वलिटी है, इसमें परफेक्ट इनइक्वलिटी हम कह सकते हैं। और गिनी गुणांक जो होता है उसको अगर हम 100 से गुणा कर देते तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, गिनी सूचकांक आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से गिनी गुणांक के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था में या समाज में विभिन्न समूहों के बीच में आय वितरण की जो असमानता है उसको माप सकते हैं। मेन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको ध्यान रखना है, गिनी गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको याद रखना है, और जो लोरेंज वक्र इस गुणांक का मूल्य मतलब जितना अधिक आता है, मतलब एक के पास में जितना आएगा, ठीक है, हमने गिनी गुणांक को इस फॉर्मूले से सोल्व किया, और जितनी वैल्यू एक के पास में आएगी आय के वितरण में उतनी ही असमानता होगी, और शून्य के जितनी पास में आएगी आय वितरण में उतनी ही अधिक समानता होगी। तो इस तरीके से ये दोनों जो कंसेप्ट हैं वो हमारे पूरे हो गए हैं।